पाकिस्तान को पराजित करने वाले टीम मेंबर और हथीन की बेटी का पैतृक गांव घरोरट में स्वागत किया गया। गांव घरोरट की इस बेटी ने पलवल जिले के साथ अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया और उन लोगों को एक संदेश भी दिया है जो बेटी को एक अभिशाप मानते हैं। पलवल जिले में हथीन को एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के गाँव के लोग भोले भाले हैं और बेटियों को उच्च स्तर पर पढ़ाने में चूक करते हैं, लेकिन गाँव घरोरट की बेटी मिथिलेश ने उन लोगों के मुँह पर तमाचा मारा है जो बेटियों को एक अभिशाप मानते हैं। गाँव घरोरट के एक साधारण परिवार में जन्मी बेटी को इसके परिवार ने अच्छे संस्कार दिए और गाँव के ही स्कूल में 10वीं तक पढ़ाई करने के बावजूद घर में ही रखे सामान से कसरत करने में रुचि रखने लगी। स्कूल के मास्टर ने बताया कि बेटी मिथिलेश को बचपन से ही खिलाड़ी बनने का शौक रहा है। बेटी का नाम है मिथिलेश कुमारी, गांव घर रोड से, फादर्स नेम सोमेर सिंह है। वो शुरू से मेरे पास ही पढ़ी है, आदर्श पब्लिक स्कूल घर रोड, और उसको उसके संस्कार शुरू से ही इस तरह के थे कि वो कुछ बने। तो बेटी का चयन अब इंडिया की टीम में सिलेक्शन हुआ उसका, और बेटी अभी जो है एशियन चैंपियनशिप में जीत के आई है। भारतीय टीम की सदस्य एवं हथीन उपमंडल के गांव घरोरट की बेटी मिथिलेश मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में आयोजित हुई यह एशियन महिला सर्कल कबड्डी चैंपियनशिप भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, मलेशिया और कजाकिस्तान जैसे 8 देशों के बीच हुआ, जिसमें हरियाणा के 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया और पाकिस्तान को हराकर भारत की विजयी हुई। गाँव घरोरट निवासी मिथिलेश कुमारी ने बताया कि भारत को 47 व पाकिस्तान को 27 रन मिले। यह एशियन महिला सर्कल कबड्डी चैंपियनशिप 23 मार्च से 25 मार्च तक हुई। पाकिस्तान को पराजित करने वाली टीम मेंबर और हथीन के गाँव घरोरट की बेटी मिथिलेश को सिल्वर मेडल मिला। मिथिलेश का पैतृक गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मिथिलेश कुमारी ने अपने अनुभवों के बारे में ग्रामीणों को बताया। मेरा नाम मिथिलेश कुमारी है और जो मैं खेल के आई हूँ, ये फर्स्ट एशियन वुमेन सर्कल कबड्डी टूर्नामेंट है जो मलेशिया में कोलालंपुर में हुआ है। इसमें इंडिया का गोल्ड आया है और मैं इंडिया टीम से पार्टिसिपेट किया था, और हमारा सेमीफाइनल इंडोनेशिया के साथ हुआ था और फाइनल मैच पाकिस्तान के साथ हुआ था, जिसमें हमने पाकिस्तान को बीट किया था 20 मार्क्स से। इंडिया 47 मार्क्स था और ये पाकिस्तान 27। मैं दूसरे विभागों के लिए बोलना चाहती हूँ कि जो अपनी लड़कियों को खेलने या पढ़ने नहीं दे रहे हैं, मतलब जो ये खेलना या पढ़ाना अभी साफ समझते हैं लड़कियों के लिए, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। गांव की बड़ी चौपाल पर समाज के सभी वर्गों ने उसका स्वागत किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मिथिलेश के पिता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उनकी बेटी को बचपन से ही खेलने का शौक रहा है, जिसके चलते पिता ने अपनी बेटी को भी खिलाड़ी बनने के संस्कार दिए। आज खिलाड़ी मिथिलेश के माँ बाप और परिवार को बेहद खुशी है। और ये जो लड़की अभी बेटी खेल के आई है, ये जो एशियन में मैच हुए हैं उसमें मलेशिया, उसमें इनके गोल्ड मेडल आया है, और इसने बेटी ने हमारी मान भाव सब रखे है, पूरी बस्ती को हाथ है बेटी के जो है, और जो गुरुजनों के जिन्हें पढ़ाई है उनकी भी लगन काफ़ी थी और मेरी भी लगन काफ़ी थी, मैं भी सपोर्ट में रहा हूँ। तो हमें बड़ी खुशी है जो है, जो बेटी जो है कहा नाम है खेल का ही। क्यों जी। हथीन से सुखदेव तिवतिया की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।